इंडियस वेब टी के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियस वेब टी में। आज हम पढ़ेंगे बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस मैथमेटिका चैप्टर 20 लाभ एवं हानि। लाभ और हानि का वीडियो इससे भी पहले मैंने अपने चैनल में अपलोड किया था, जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम और बाकी सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, बेसिक से बताया था, लेकिन वो आपके चैप्टर का नहीं था। आज हम पढ़ेंगे आपके चैप्टर के सभी एक्सरसाइज को वन बाय वन। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। सबसे पहला आपका पहला प्रश्न जो है वो क्या पूछ रहे हैं उसको पढ़ के देखिए। एक व्यक्ति ने एक घड़ी 240 रुपये में खरीदा और 276 रुपये में बेच दिया। लाभ एवं हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, लाभ और हानि का प्रतिशत कैसे निकाला जाता है वो आप सीखेंगे इस प्रश्न में। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस प्रश्न में लाभ हुआ है या कि हानि हुआ। तो प्रश्न पढ़ के आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि ये कॉमन चीज़ होता है। 240 का सामान 276 में बेचेंगे तो आपको लाभ ही हुआ है, क्योंकि आपने थोड़े ज़्यादा में बेचा। तब ऐसे में लाभ हानि जानना है तो ज़्यादा में से कम घटाना होता है। तो लाभ जानने के लिए फार्मूला हो जाता है विक्रय माइनस क्रय। विक्रय है 276 का और क्रय है 240 का, घटाएंगे तो डिफरेंस कितने का होगा। तो 200 से 200 कट गया, 76 में 40 घटाओ तो 6 का 6 7 में 3 4 जाएगा 336 रुपये। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारा जो लाभ है वो 36 रुपये का है। ठीक है, अब 240 रुपये के सामान को इतने में बेचने पर लाभ हुआ था 36 रुपये का, तो एक रुपये पर लाभ कितना होगा ये जानना है। तो 240 को 36 के नीचे ले आओ तो डिवाइडेड बाई हो जाएगा 36/240। ठीक है, अब 100 रुपये पर लाभ कितना होगा ये जानना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर दो। अब ये मेथड आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो सिंपल सा तरीका ये है, लाभ हानि का प्रतिशत जानना है ना, तो लाभ हानि का प्रतिशत, लाभ हो चाहे हानि हो, उसका प्रतिशत जानने के लिए आपको लाभ या हानि को लिखना है। ठीक है, गुणित 100 करना है बटे क्रय मूल्य को करना है। इतना सबक समझ लो और इतना समझ लिए तो फिर क्वेश्चन फटाफट बना दो। अब बताओ लाभ हानि कितने का हुआ है, 36 रुपये का, गुणा किसका करना है 100 का, क्रय मूल्य कितना है 240, नीचे लिख दो 240। ठीक है, 10 से 10 काट दो, 6 चौक 24, 6 छः 36 कट गया, 2 2 4, ये 2 5 10, 2 1 2, ये 2 3 6, 3 5 15, क्या प्रतिशत आया 15%। चलो अब इसी चीज़ को आप ध्यान से देखो, इसमें बना होगा, लो दिख गया, दर्शन हो गए 15% के। तो बस वही मेथड है, चाहो तो बुक के मेथड से बना लो या तो फिर सिंपल तरीका कि बस लाभ हानि ज्ञात कर लो, जो भी ज्ञात हुआ वहीं से आपको प्रतिशत निकालना है फार्मूला लगा के। फार्मूला क्या था, लाभ हानि का प्रतिशत बराबर लाभ या हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। ये फार्मूला याद कर लो और इसको फटाफट बना लो। समझ में आया क्वेश्चन नंबर पहला? ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। एक व्यापारी ने 100 वस्तुएं 102 रुपये में खरीदी और 200 रुपये में बेच दी, विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, 102 रुपये में खरीद कर 200 रुपये में बेच दी, मतलब 98 रुपये का उसको लाभ हुआ। ठीक है, कितने रुपये का हुआ, 98 रुपये का, 100 वस्तुएं 102 रुपये में खरीदी और 200 रुपये में बेच दी। ठीक है, लाभ हुआ 98 रुपये का। आपको जानना है लाभ हानि का प्रतिशत, तो 98 × 100/200। अच्छा, विक्रय मूल्य पर पूछा है तो विक्रय मूल्य को लिखना। ठीक है, विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत पूछा है तो विक्रय मूल्य लिखना, नहीं तो नॉर्मल क्रय मूल्य ही रहता। डिवाइड करोगे आपका आंसर आएगा 49, और ये जो 49 आया वो प्रतिशत है, तो आप बोलेंगे लाभ हानि का प्रतिशत 49 है। ठीक है, एग्जाम्पल 3, क्वेश्चन नंबर 3। ए ने एक वस्तु 10,120 रुपये में खरीद कर 11,080 रुपये में बेच दिया। बी ने एक वस्तु 9,900 रुपये में खरीद कर 11,000 रुपये में बेच दिया, किसको अधिक लाभ हुआ बताओ। सिंपल सी बात है, जिसने जितने में खरीदा और जितने में बेचा उनको घटा करके उनका लाभ निकाल लो। क्या निकाल लो, सिंपल सा लाभ की राशि निकाल लो। तो दोनों का अलग अलग लाभ निकलेगा, अब दोनों की तुलना कर लो, ये ज़्यादा होगा तो यही जीता, ये अगर ज़्यादा होगा तो फिर ये जीता। तो जिसके में ज़्यादा आएगा उसको हम बता सकते हैं। तो देखो, 10,120 के सामान को 11,000 में बेचा है, ठीक है, 11,080 रुपये में बेचा है, और इसने 9,900 के सामान को 11,000 में बेचा है। यहाँ पर इसमें मैं 100 दूंगा तो ये 10,000 हो जाएगा, 10 और 1,000 दूंगा तो 11,000 हो जाएगा, मतलब समझ लो 1,100 का डिफरेंस है पहले वाले का। दूसरे वाले का आप देख सकते हैं 10,120 है और ये 11,080 है, इसमें डिफरेंस इससे कम का होना चाहिए मेरे अनुसार।
जीरो का जीरो हुआ, 8 में 2 गया 6 हुआ, एक हाँसी लेके 10, 10 में 1 जाएगा 9। अच्छा ये दे शून्य हो गया, ठीक 10 का 10 आएगा। ठीक, लाभ हानि का प्रतिशत आपको पता है निकालना कैसे है। जितने का भी लाभ या हानि हुआ उसको लिखना है, गुणा 100 करना है, क्रय मूल्य को नीचे लिखना है। ठीक है, उस फार्मूले से आप निकाल सकते हो इन दोनों का प्रतिशत, और जो आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे अब आप देखेंगे लाभ हानि का एक्सरसाइज बी, प्रश्न नंबर पहला, जिसमें लिखा गया है एक दूध विक्रेता ने 100 लीटर दूध 360 रुपये में बेचा, उसको 10% की हानि हुई, तो दूध का क्रय मूल्य प्रति लीटर बताओ। तो 100 लीटर को 360 में बेचने पर इसको 10% की हानि हुई है। आप लिखेंगे 100 लीटर दूध का विक्रय मूल्य 360 रुपये है और हानि का प्रतिशत है 10%। तो 100 लीटर दूध का क्रय मूल्य जानने के लिए आपको ये फार्मूला अपनाना पड़ेगा, जो कि है विक्रय मूल्य गुणित 100 बटे 100 माइनस लाभ हानि का प्रतिशत। ठीक है, तो हानि होगा इसलिए आप माइनस करेंगे। विक्रय मूल्य 360 है, गुणित हमने 100 किया है, और यहाँ पर हमें हानि 10% हुई है, तो 100 में हम 10 घटाएंगे, तो 10 में जब 100 में 10 घटाएंगे तो यहाँ 90 बचेगा। अब यहाँ से हमारा कैलकुलेशन होता है, जो कि आपको बड़े ध्यान से करना है। 0 से ये 0 कट गया, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 4 का गुणा में अगर 100 में करता हूँ तो 400 रुपये निकलेगा। अतः मैं बता सकता हूँ कि क्रय मूल्य 400 रुपये है, लेकिन 1 लीटर के प्रति लीटर का मूल्य जानना है, तो 100 को 400 डिवाइड कर 400 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें प्रति लीटर जानना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 4 बस बचा। अतः आप कहेंगे दूध का क्रय मूल्य प्रति लीटर में 4 रुपये है। क्लियर है, तो इस तरह से आपको बनाना है आपका प्रश्न। तो काफ़ी छोटे छोटे एक्सरसाइज हैं इसमें, 2 से 3 या 5 क्वेश्चन बस होते हैं, उतना आप इजीली बना सकते हैं एग्जाम्पल को देख के। एक्सरसाइज बी, एक व्यापारी किसी वस्तु पर 15% लाभ अर्जित करता है, एक समय उस वस्तु पर उसका लाभ 150 रुपये था, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है बताइए। ठीक है, मान लेते हैं ऐसे वर्षों में वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये था। ठीक है, लाभ हो रहा है उसको 15%, उसको रुपये मान लेते हैं 15 रुपये का लाभ। ठीक है, लाभ 15 रुपये है तो क्रय मूल्य 100 रुपये हमने माना था, इसलिए कि लाभ 15 रुपये है तो क्रय मूल्य कितना है 100 रुपये। लेकिन लाभ उसको जब 150 होता था तब जानना है, तो आपको पता है लाभ हानि का प्रतिशत है ना, वही वाला फार्मूले से आपको क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य बराबर वो लाभ हानि का प्रतिशत था, यहाँ पे क्रय मूल्य निकालना है, तो सूत्र आपको आगे पीछे करके आप बना सकते हैं। तो क्रय मूल्य बराबर 100 गुणित ये वाला जो लाभ हुआ है एक्चुअल में, और ये हमने जो माना है 15 एकम 15, 15 0 0, 10, 100 में 10 का गुणा करेंगे 1000 रुपये निकलेगा। अतः आप बता सकते हो उस वस्तु का क्रय मूल्य 1000 रुपये है। ठीक है, इसी तरह से अगला प्रश्न है, किसी मनुष्य ने एक घोड़ा किसी मनुष्य ने एक घोड़ा जितने में खरीदा था उससे उसको 20 रुपये अधिक में बेचकर उसे सॉरी यार किसी मनुष्य ने एक घोड़ा जितने में खरीदा था उससे 120 रुपये अधिक में बेचकर उसने अपने क्रय मूल्य का 2/7 भाग लाभ प्राप्त करता है, तो घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसे प्रश्नों में आप सिंपल से मान लो 100 रुपये, क्या मान लो 100 रुपये, क्योंकि इसमें दुगना अधिक बोला जाता है, तो फिर 100 मान करके आप करते हैं। माना क्रय मूल्य 100 रुपये था, तो विक्रय मूल्य क्रय से 120 अधिक है, तो 100 + 120 करेंगे, क्योंकि यही है इसका विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, तो ये आपका पहला कंडीशन समझ में आया। यहाँ पर ठीक, लाभ उसे कितने का हुआ है, क्रय मूल्य का 2/7 भाग लाभ हुआ है ना, तो क्रय मूल्य का 2/7 भाग बराबर लाभ लिखा। क्रय मूल्य हमने एक्स माना है, 2/7 लिखेंगे का करके, लाभ 120 रुपये का। यहाँ पर इसको पक्षांतर करेंगे, तो पक्षांतर करने पर बटे की संख्या पलट जाती है, जो 7 है वो ऊपर और 2 है वो नीचे आ जाती है। इस तरह से 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 60 और 7 का गुणा करेंगे, 7 छक्का 42, 420 रुपये निकला। अतः आप बता सकते हैं घोड़े का क्रय मूल्य 420 रुपये है, बाकी इधर को मारो गोली। ठीक है,
समझ आया? बस ऐसे ही बनेगा आपका चौथा नंबर का प्रश्न, पांचवे नंबर का प्रश्न। तो प्रश्न काफ़ी है, बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, एग्जाम्पल देखते रहिए। एकदम इस पर ही डिपेंड नहीं होना है कि क्रियात्मक प्रश्न ही बनाए, वही आएगा। एग्जाम में एग्जाम्पल भी आते हैं, ठीक है। आपको टॉपिक सीखना है कि कोई भी प्रश्न बनता कैसे है, और उसके ढेरों क्वेश्चन बना बना करके देखना है। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आगे के एक्सरसाइज को। तो कमेंट करके बताइए आपको मेरा समझाना समझ में आया कि नहीं, और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय बच्चों।